गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू राधा रानी फ्री एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ और कौन सी इकोनॉमिक्स से, मैक्रो इकोनॉमिक्स और यूनिट नंबर 7। ये वीडियो नंबर 1 है, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आज हम बात करेंगे कौन सी बुक में, संदीप गर्ग, टीआर जैन भी आप फॉलो कर सकते हो, सरस्वती भी है और एनसीईआरटी भी है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें जो ठीक है, जो ठीक लगता है एक्सप्लेन करने के लिए मुझे, वो संदीप गर्ग ज़्यादा डीपली दे रखा है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए देखिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। पहले इसे फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला इसके अंदर आता है, थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, उस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। कॉम्पोनेंट्स ऑफ एडी, ये एडी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। मैंने अभी पीडीएफ खोलूंगा उस बुक का, तो बताया जाएगा, इससे पहले आप इसको देख लो। कॉम्पोनेंट्स ऑफ एडी, एडी के घटक क्या है, ये एडी होता है समग्र मान, उसको एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी होता है कंजप्शन, कंजप्शन मतलब जो व्यय है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, निजी उपभोग व्यय, आपने एक्सपेंडिचर मेथड में भी पढ़े थे ये पॉइंट। आई होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आई, या उसको हिंदी में बोलते हैं निवेश व्यय। जी होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसे बोलते हैं सरकारी व्यय। एक्स माइनस एम वो होता है शुद्ध निर्यात, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। क्लियर हुआ बेटा, नेट एक्सपोर्ट्स। ओके, ये एक्स माइनस में एम, तो ये आपका हो गया कॉम्पोनेंट्स ऑफ एडी। लेकिन जब हम लेते हैं टू सेक्टर के लिए लेते हैं, वो आपका दो क्षेत्र वगैरह पढ़ेंगे, ओके, तो उसमें आपको लेते हैं एडी बराबर में सी प्लस आई, और ये सब छोड़ देते हैं। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, टू सेक्टर की बात किया जाता है, तो एडी बराबर में सी प्लस आई केवल लेते हैं। क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आ जाओ, कुछ फॉर्मूला हमें अभी डिस्कस करेंगे। वाई क्या होता है, इनकम, जिसे आई बोलते हैं। सी क्या होता है, उपभोग या कंजप्शन, जिसे बोलते हैं सी फॉर कंजप्शन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उपभोग बोलते हैं। आई फॉर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, जो निवेश हो गया, ठीक है बेटा, कितने आप निवेश कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट निवेश। और एस फॉर सेविंग, बचत हो गया, एस बचत हो गया, ठीक है। एमपीसी, एमपीसी का मतलब मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव या कंजप्शन, यहाँ सेव नहीं बेटा, कंजप्शन है, यहाँ सेव कहाँ से लिखा हुआ है, गलती से लिखा हुआ है। देखो बेटा, एम पी सी मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, उसकी हिंदी क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। क्लियर हुआ। ए पी सी एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, इसका क्या मतलब होता है, ना औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, और ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। मार्जिनल का हिंदी क्या होता है, सीमांत। एम पी एस मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव, और ए पी एस इसका मतलब सीमांत बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति। ए पी एस औसत बचत प्रवृत्ति। के होता है मल्टीप्लायर, या उसे गुणक, गुणक बोला जाता है, ठीक है, मल्टीप्लायर। अब हम आते हैं डेल्टा वाई क्या होता है, ना एडिशन इन इनकम, चेंज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम, तो डेल्टा वाई। डेल्टा सी आपने पढ़े हो इस साइन का, पता है ये चेंज के लिए होता है, चेंज इन कंजप्शन। डेल्टा एस चेंज इन सेविंग, डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और सी ऑटोनोमस सी, सी के ऊपर बार लिखा हुआ होता है, ऑटोनोमस सी बोला जाता है, उसे बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन बोला जाता है, स्वायत्त सी बोलते हैं। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब इनकम तुम्हारा जीरो होता है, जितना कंजप्शन, जितना कंज्यूम करते हो, जितना उपभोग करते हो, वही होता है ऑटोनोमस सी। एस बार का मतलब क्या होता है, इस ऑटोनोमस सेविंग बोला जाता है। तो जो आई होता है, आई या तो दो प्रकार की हो, आई में या तो आप उपभोग करोगे, बचत करोगे, तो वाई इक्वल टू सी प्लस एस, तो इनकम इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, आई बराबर में उपभोग प्लस बचत, और उपभोग कैसे निकलेगा, आई माइनस बचत, कंजप्शन इक्वल टू इनकम माइनस में सेविंग, सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस में कंजप्शन। क्लियर हुआ बेटा ना, जो आय होती है वो आपका उपभोग और बचत को लेकर जोड़ेंगे तो आय होगा, और जो उपभोग है वो आय में से बचत को माइनस करेंगे, जो बचत होगा वो आय में से उपभोग को माइनस करेंगे। इंग्लिश में आपको ध्यान देना, वाई हो गया, मैंने लिखा हुआ है बेटा ऊपर, तो आपको फॉर्मूला नोट आउट करो, पता लग जाएगा कि क्या क्या है, नहीं है तो आपको तो कन्फ्यूज होना नहीं है, क्योंकि ऊपर मैंने उसको बता दिया पहले।
ऐसे सी क्या होता है? ऑटोनोमस सी प्लस बी वाई, ये स्मॉल बी क्या होता है? एमपीसी। ओके, तो स्मॉल सी ये सी फंक्शन बराबर में क्या होता है? सी इक्वल टू ना ऑटोनोमस सी, ऑटोनोमस सी का मतलब होता है जब वाई बराबर में वो जीरो होता है, जब इनकम आपका जीरो होता है, जितना उपभोग आप करते हो वो ऑटोनोमस सी कहलाता है, ठीक है बेटा। और आपका एस इक्वल टू क्या होता है? माइनस सी बार, मतलब ऑटोनोमस सी, और प्लस वन माइनस बी वाई, वन माइनस बी होता है एमपीएस। तो इसका मतलब लिख सकते हो ऑटोनोमस सी बार माइनस में सी ऑटोनोमस सी प्लस में एमपीएस इंटू वाई, एपीसी सी बाय वाई, उपभोग बटे में आई, कंजप्शन बटे में इनकम, एमपीसी डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, उपभोग में परिवर्तन बटे में आई में परिवर्तन, एपीएस सेविंग बाय वाई, एस बाय वाई, एमपीएस डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, और एपीसी और एपीएस, एपीसी और एपीएस वन हो जाएगा, तो एपीसी हो जाएगा वन माइनस एपीएस और एपीएस इक्वल टू वन माइनस एपीसी। ये प्रूफ करना मैं आपको समझाऊंगा थ्योरी में, तो उसमें आपको प्रूफ करना भी बताऊंगा कि एपीसी और एपीएस वन कैसे है। उसके बाद एमपीसी और एमपीएस भी वन होगा, तो एमपीसी हो जाएगा वन माइनस एमपीएस और एमपीएस हो जाएगा वन माइनस एमपीसी। के क्या होता है? ना मल्टीप्लायर, जिसे कहते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, वन बाई एमपीएस और वन बाई वन माइनस एमपीसी, क्योंकि एमपीएस इक्वल टू वन माइनस एमपीसी वो है। इक्विलिब्रियम आउटपुट रिफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन एन इनकम, व्हेन इन एन इनकम इकोनॉमी एडी इक्वल टू एएस, चाहे आप यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम, सॉरी यहाँ पे जीडीपी इक्विलिब्रियम की बात कहा जाएगा, तो आप समझ जाना एडी इक्वल टू एएस। और एडी का कंपोनेंट्स क्या होता है आपको पता है? सी प्लस, मैंने बताया कि सी प्लस यहाँ पे आपका हो जाता है सी प्लस आई हो जाएगा, सी प्लस आई हो गया, तो इक्वल टू क्या करोगे? सी प्लस एस हो जाएगा। तो आप ध्यान दो, सी सी दोनों तरफ से कट जाएगा, तो आपको बचेगा एस बराबर में आई। तो इक्विलिब्रियम के बारे में आएगा इकोनॉमी में या जीडीपी में, तो एडी बराबर में एस ले सकते हो या एस बराबर में आई, ठीक है। इन सभी फॉर्मूला को आप राइट करो, रिवाइज करो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल्स जो आता है, पहले जो 40 का आपका पेपर होता था उसमें एक क्वेश्चन तो श्योर आता था, नेशनल इनकम का भी पहले शुरुआत में जब 100 का पेपर होता था दो आता था, ठीक है। एक होता है कौन सी नेशनल इनकम में एड होता है, कौन सा नहीं है, दूसरा न्यूमेरिकल्स आता था, लेकिन इस चैप्टर में भी एक क्वेश्चन 6 नंबर का श्योर आता था, और काफ़ी बार न्यूमेरिकल्स आया हुआ है, तो इसीलिए इसको आप हल्के में मत लो, अभी भी आ सकता है इसमें। तो आप ये दोनों यूनिट है, इसको आप फॉर्मूला दोबारा मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप उसको वीडियो को रोक के अब अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साफ सुथरा लिखा हुआ है। अगर आपको बड़ा थोड़ा और चाहिए, क्या बता वीडियो में थोड़ा आपको बड़ा नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा बड़ा और बता देता हूँ, करा देता हूँ बेटा, जिससे कि आपको थोड़ा दिखाई देगा। रुको, लो अब बड़ा कर दिया, अब आप उसको देख सकते हैं और क्लियरली, क्योंकि होता है कि जब वीडियो बनता है यहाँ तो साफ दिख रहा है, लेकिन फिर वीडियो में फिर छोटा दिखने लगता है, तो इसको इससे बचने के लिए मैंने आपको बड़ा करवा दिया, ठीक है बेटा। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, अब हम आते हैं इस चैप्टर में, सारे फॉर्मूला आपने नोट आउट कर दिए, न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो आपको यूज होगा ये, थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं बच्चे, यहाँ नीचे कमेंट करते हैं कि सर जी थोड़ा थ्योरी भी बता दो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर को, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है, तो बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में, इसमें तीन चैप्टर है 7, 8, 9 और संदीप गर्ग में। तो अब हम देखते हैं, बात करेंगे क्या है नहीं है। देखो देख इसमें क्या क्या, किस किस टॉपिक पे ऊपर हम बात करेंगे, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ एडी एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, और मीनिंग, इसके मीनिंग, इसके अर्थ, उसके अर्थ भी जानना है उसको, और उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानना है। मैंने फॉर्मूला में कंपोनेंट्स बता दिया वो, और एग्रीगेट सप्लाई इसका मतलब एएस के बारे में भी जानना है, एडी और एएस दोनों। तीसरा जो है आपका कंजप्शन फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है ना, ये कंजप्शन फंक्शन के बारे में, सी के बारे में आपको जानकारी लेना है। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम कितने प्रकार की है वो देखना है। प्रोस्पेंसिटी टू सेव के बारे में जानना है हमें, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेंसिटी टू सेव है। और इन्वेस्टमेंट फंक्शन आई के बारे में जानना है, इन्वेस्टमेंट आई और सेविंग हो गया एस। डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे कंजप्शन में डिटर्मिनेंट है ऐसे हमें देखने को मिलेगा कि इन्वेस्टमेंट में डिटर्मिनेंट क्या होता है। एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट एंड सॉल्व प्रैक्टिकल। तो ये कुछ 11 पॉइंट है हमें इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो अभी आप, अब हम देखते हैं कि पहला क्या आपको दे रखा है, समग्र मांग का अर्थ और घटक, मीनिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड एग्रीगेट डिमांड, पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। चलिए
जो बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं ज्यादा बड़ा करूंगा तो ये थोड़ा सा जो चीजें हैं वो ज्यादा क्या होगा ना, साफ नहीं दिखेगा, देख रहे हो, इसीलिए थोड़ा सा मैं लिमिट में रखता हूं। तो डेफिनेशन पहले आपको लिखना पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। इसका क्या अर्थ है? एडी से अभिप्राय अंतिम वस्तुओं, बड़ा अंतिम वस्तुओं के लिए आप नेशनल इनकम में आप पढ़े हो, एक लकड़ी में खरीद के लाता हूं जलाने के लिए, मैं जलाया वो मेरा अंतिम वस्तु है, लेकिन एक लकड़ी में लाता हूं, एक पट्टा लाता हूं मैं कि क्या करने के लिए, जलाने के लिए नहीं, बेंच बनाने के लिए, तो वो मेरा अंतिम वस्तु नहीं है। जब मैं एक बेंच बना दिया उस पर पट्टा लगा दिया तो वो मेरा हो गया फाइनल गुड्स हो गया। कहा क्या जा रहा है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य से है जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक दिए गए आय के स्तर पर खरीदने की योजना बना रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, या तो और भी अर्थ में उसे दे रखा है ना, एग्रीगेट डिमांड एडी इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर विलिंग टू इनक्योर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स एडी एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मीन द सेम, ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। एग्रीगेट डिमांड और जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है ये दोनों आपका सेम है, एक लेखा वर्ष में जितना आप खर्चा कर रहे हो तो ये जो चीजें हैं वो। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ऐसे नहीं है कि जो मन में आया आपने खर्चा कर दिए वो सारे आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में आएगा, वो जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर उसको बताता है जो प्लान किया हुआ जो आप खर्चा कर रहे हो वो आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में वो आता है। ठीक है बेटा, तो आप शॉर्टकट में आपका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो ना, आप यहां से लास्टली आपको दे रखा है ना, एडी इज द टोटल एक्सपेंडिचर दैट ऑल द हाउस होल्ड्स फर्म्स एंड द गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर प्लानिंग टू इनकर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है लास्ट में ना, एडी जो है कुल व्यय है, कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर किसका है ना, परिवार का, हाउस होल्ड का, फर्म्स का, कोई फर्म के और गवर्नमेंट के मतलब सरकार के एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेस विश्व ऑफ द वर्ल्ड आर प्लानिंग टू इनकोर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक दी गई समय अवधि के खर्च करने की योजना बनाते हैं, तो उसे आप बोलोगे एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, और आपको यहाँ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि जो एग्रीगेट डिमांड विद मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में कोई आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। मार्केट डिमांड अपने डिमांड अपने 11th में पढ़े हो कि जो मार्केट डिमांड होती है वो क्या होती है ना, ये एक कमोडिटी को होता है, मार्केट में अगर एक कमोडिटी अलग अलग लोग खरीद रहे हैं तो वन कमोडिटी तो आपको हो गए वो मार्केट डिमांड है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे अलग अलग ये टोटल डिमांड होती है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सारे जो गुड्स जो वस्तुएं और सेवाएं हैं वो सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल भाग को हम एडी कहते हैं किसी भी इकोनॉमी में, जबकि मार्केट डिमांड किसी एक वस्तु का टोटल डिमांड को कहा जाता है। राम खरीद रहा है, गोपाल खरीद रहा है, सीता खरीद रही है, अगर कोई ब्रेड को खरीद रहे हैं तीनों, तो जो टोटल आया वो आपका हो गया टोटल डिमांड ब्रेड के लिए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग वस्तु अलग अलग व्यक्ति खरीद रहे हैं, या एग्रीगेट डिमांड जो होता है टोटल डिमांड होती है सभी वस्तुएं और सेवाओं का। क्या बेटा इस पूरे पैराग्राफ आपको समझ में आ गया, या तो आप डेफिनेशन एडी का यहाँ पे याद कर लो, या तो यहाँ पे याद कर लो, या यहाँ तीन डेफिनेशन है, तीनों दे रखा है, जो आप लिख सकते हो कोई इशू यहाँ पे नहीं है। अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये कंपोनेंट का मतलब होता है घटक, ये घटक क्या होती है, इसका मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें आता है एग्रीगेट डिमांड में। हमें तो अभी दिखाई दिया कि टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, तो कौन सा एक एंटायर इकोनॉमी में कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज आते हैं, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या आपका सी प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या ये चीजें हैं। इट रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब एक लेखा वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के रूप में किया गया जो कुल व्यय है उसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो आगे देखो जनरली कंजप्शन, आगे देखते हैं, ये आपको पढ़ना है बेटा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा, आप इसमें कंपोनेंट्स ऑफ आपको कंजप्शन कंपोनेंट्स ऑफ एडी आएगा, तो आप ध्यान देना, मैंने बताया सी प्लस आई ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक ये लेना है आपको,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी आपको लेना है, सरकार कौन कौन सी खर्चा कर रहा है उसके लिए। उसके बाद आप लेना है नेट एक्सपोर्ट, ये एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम। तो क्या क्या आ गया आपका बताया गया, पहला हो गया आपका सी कंजप्शन, दूसरे बात हो गया आई इन्वेस्टमेंट, तीसरा हो गया आपको क्या है ना जी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और फोर्थ पार्ट हो गया आपका नेट एक्सपोर्ट जो एक्स माइनस एम। इसको एक्सप्लेन आप कर सकते हो कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में कौन कौन सा आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में हाईवे बन रहा है, रोड बन रहा है, पावर प्लांट वगैरह बन रहा है, वो चीज़ है। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ये इतने ज़्यादा समझाने लायक नहीं है, आप उसमें पढ़ सकते हो, मैंने आपको बताया। चलिए आगे आगे चलते हैं, क्योंकि आगे जो चीज़ समझाने लायक हो मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। शुद्ध निर्यात का आकार सामान्यतः विनिमय दर, वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्य, विनिमय शुल्क और व्यापार नीति इत्यादि पर निर्भर करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स जनरली डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड प्राइस आ सकता है, और जो नेट एक्सपोर्ट है, जो शुद्ध निर्यात है, वो किस पर निर्भर रहता है, ये दे रखा है आपको, ये थोड़ा सा आपको नोट आउट कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए तो कंपोनेंट्स ऑफ एडी में क्या क्या हमने पढ़े, अभी हमने अभी पढ़े जो पॉइंट्स को अभी मतलब नहीं एक्सप्लेन किए, वो आपका रहा प्राइवेट कंजप्शन, ये आपका सी है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये आपका आई है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो आपका जी है, उसके बाद आपका आ जाएगा एक्स माइनस एम जो आपको होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, क्लियर हो गया। अगर टू सेक्टर की बात आएगा, एग्रीगेट डिमांड में काफ़ी और से हम यूज करते हैं ए डी इक्वल टू सी प्लस आई, एक नंबर ही क्वेश्चन में आएगा एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर की, मैं बताओ ए डी इक्वल टू क्या होगा, आप लिख दोगे सी प्लस आई प्लस जी, नहीं है ए डी के लिए हम सी प्लस आई, जैसे मार्केट इक्विलिब्रियम होता है हम इसको यूज करते हैं, ठीक है बेटा, मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए यूज करते हैं। आ गया बेटा, तो आपका हो जाएगा कि टू सेक्टर मॉडल के लिए हम क्या करेंगे ना सी प्लस आई ले लेते हैं ए डी बराबर में, क्लियर हुआ। द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज टू बी स्टडीड इन द जो कंटेस्ट ऑफ टू सेक्टर मॉडल हाउस होल्ड एंड फर्म, सो द थर्ड एंड फोर्थ कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर डिस्कस्ड इन डिटेल, उसको आगे हम पढ़ेंगे, नॉट डिस्कस्ड इन डिटेल्स, अच्छी मतलब उसको डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ोगे आप कॉलेज लेवल में। सो इवन थ्रो द एडी हैज फोर कंपोनेंट्स वी विल एज्यूम दैट एडी इज द फंक्शन ऑफ ओनली कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट, तो एक्सपेंडिचर, तो एडी को हम ले देते हैं सी प्लस आई, जो टू सेक्टर मॉडल के लिए आप इसको ही लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बेटा आपको आ गया, तो अब हम आते हैं एक टेबल हम देखेंगे इसमें, जी हाँ ये देखो, ये फिगर को देखो, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या बना हुआ है, इनकम दे रखा है कंजप्शन और आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट। इनकम आपका जीरो है तो कंजप्शन आपका हो रहा है 40 और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 20, तो आप देखो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ये क्या दे रखा है, इस फिगर को आप देखो क्या दे रखा है ना, एडी से संबंधित महत्व, एडी इक्वल टू सी प्लस आई, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है ना, इसमें दे रखा है, मैं आपको समझा दूं, देखो नीचे जो दे रखा है मेरा एक्स एक्सिस है वो मेरा इनकम है, और जो मेरा वाई एक्सिस है वो मेरा एडी है, एडी या उसको व्यय, ठीक है ना, वो करोड़ों में छोड़ो कोई बात नहीं, ये जो दे रखा है इसमें क्या है ना, जब आप जीरो रुपए कमा रहे हो तब भी आप 40 रुपए खर्चा कर रहे हो इन्वेस्टमेंट 20 है, जो ये इन्वेस्टमेंट जो होता है 20 इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये कॉन्स्टेंट रहता है, चाहे इनकम आपका कम हो ज़्यादा हो कैसे भी हो, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दो, जब आप जीरो रुपए कमा रहे हो जितना आप खर्चा कर रहे हो, ये जो पॉइंट है चाहे वो 20 हो 30 हो, यहाँ देखो जीरो में 40 है यहाँ पे, तो ये जो 40 करोड़ है, ये 40 जो अमाउंट रुपीज करोड़ में, ये जो 40 है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया ऑटोनोमस सी हो जाता है, जरूर वो आपको एस लिखा हुआ है, यहाँ ऑटोनोमस सी है, अगर पूछा जाएगा इसमें ऑटोनोमस सी कितना है ना, ये 40 है, क्यों ना, जहां पे वाई जीरो होता है जितना एक्सपेंडिचर करते हो जितना कंजप्शन कर सकते हो कर रहे हो रहा है, तो वही आपका हो गया ऑटोनोमस सी। आगे क्या है ना, एडी का जो लाइन है ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि एडी जो होता है, एडी इक्वल टू होता है सी प्लस आई, क्या होती है सी प्लस आई, तो सी मेरा कितना है अगर 40 है और आई कितना है 20 है, तो 40 और 20 60, तो जीरो में हो गया आपका 60, 100 में 140, तो ये जो लाइन है इन दोनों के ऊपर जाएगा, क्लियर हो गया। और इन दोनों का जो बीच में जो गैप है, सी और एडी के बीच में जो गैप है, वो आपका आई है, वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है बेटा, तो वो आपको ध्यान देना है, क्या बताए क्लियर हो गया क्या। और
जब आय शून्य है तब भी हमारा जो कंजप्शन है वो आपका पॉजिटिव होगा। देखो क्या क्या पॉइंट्स लिखा हुआ है इसके लिए, अब हम देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, एडी इक्वल टू सी प्लस आई एज स्टेड बिफोर, एडी इज एज्यूम टू बी फंक्शन ऑफ ओनली कंजप्शन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। ठीक है, तो एडी क्या है ना, कंजप्शन डिमांड और इन्वेस्टमेंट, तो एडी बराबर में हम क्या करेंगे ना, सी प्लस में आई। दूसरा, पॉजिटिव कंजप्शन इवन वेन इनकम लेवल जीरो, जब इनकम लेवल जीरो होगा तब भी आप कुछ खर्चा करेंगे, ये कंजप्शन होगा, इसीलिए इसको पॉजिटिव सकारात्मक उपभोग कहा जाता है, जबकि आय का स्तर शून्य है। जब चाहे आय शून्य, ओके, जब चाहे आय शून्य भी हो तब भी उपभोग का कुछ न्यूनतम स्तर हमेशा बना रहता है। ये होता है क्योंकि आय के शून्य स्तर पर भी लोग अपनी को जिंदा रखने के लिए कुछ निश्चित मूल्य वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है। मान लो आप इनकम नहीं कर रहे हो, ये देखो आप इनकम नहीं कर रहे हो, ये पॉइंट है, इनकम नहीं कर रहे हो तब भी आप कुछ खर्चा करोगे जीवित रहने के लिए, ऐसे नहीं कि हवा पानी खा के आप रह लोगे। तो ये जो दिख रहा है ये आपका ऑटोनॉमस सी है। इसका अर्थ क्या होता है ना, इनकम बिल्कुल भी नहीं होता तब भी आप कंजप्शन करोगे। जैसे यहाँ पे जीरो लेवल पर 40 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, खर्च कंजप्शन हो रहा है, इसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। बेटा बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया? हाँ, आ जाओ नीचे आ जाओ। इसको कैसे ना ऑटोनॉमस कंजप्शन ऐसे सी बार के ऊपर लिखा जाता है, इसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। ये ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या क्या बता रखा है ना, रिफर्स टू द मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन है व्हिच इज नीडेड फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो आवश्यक है उसे ले खर्चा करते हैं। अर्थात राष्ट्रीय आय शून्य स्तर पर उपभोग है, मतलब जब इनकम आपका अगर पर्सनल ले लोगे, जब राष्ट्रीय आय जीरो है तब भी जो खर्चा होती है, क्योंकि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ओके, तो वही चीज होता है। क्लियर हुआ बेटा? ऐसे उपभोग या तो पिछली बचत से या संपत्ति की बिक्री से या उधार से पूरा किया जाता है। बेटा अगर मान लो मैं परिवार की बात कर रहा हूँ, अगर परिवार का ये फिगर है, मेरा अभी कोविड चालू हो गया, इस इनकम कुछ नहीं होगा तब भी मैं क्या कुछ खाऊंगा नहीं, हाँ मैं कहीं से ब्याज पे लूंगा, मैं कहीं से उधार लूंगा, सरकार से लोन लूंगा, कैसे भी करके मैं खर्चा करूंगा। तो यही जो है जीरो इनकम पे जो मैं खर्चा करूंगा वही मेरा स्वायत्त सी होगा, बस इतना आपको समझना है और कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, ये कंजप्शन कर्व का जो स्लोप वो कैसे होता है ना, एडी का प्रथम घटक अर्थात उपभोग ऊपर की तरफ ढाल होता है। देखो द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एडी कंजप्शन कर्व स्लोप अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं होता है, अपवर्ड, बिकॉज कंजप्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। ये बात बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जैसे हमारा उपभोग बढ़ेगा, जैसे इनकम बढ़ेगा, ऐसे भी हम उपभोग को बढ़ाएंगे। अभी आप लोग खर्चा कम कर रहे हैं मोबाइल में, अगर ठीक है महीने का आप 200 कुछ रुपए का रिचार्ज करवा देते हैं, लेकिन या आपका कैसे भी खर्चा आप इतना नहीं करते, कहीं पार्टी में जाते हो बर्थडे में, अब छोटे मोटे बर्गर पिज्जा मंगा के आपका काम चला लेते हो, या तो समोसा कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हो, लेकिन जैसे आप कहीं जॉब करने लग गए आपका इनकम बढ़ा, तो फिर नहीं है, आप दोस्तों को क्या करेंगे ना, आप अच्छा पार्टी देंगे। तो उसी प्रकार की इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा उसी प्रकार की कंजप्शन भी उसी प्रकार की बढ़ेगा, उपभोग भी उसी प्रकार की बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो और आगे क्या है, परंतु हाउएवर ना प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजप्शन इज लेस देन दैट ऑफ इनकम, इट हैपेंस बिकॉज आफ्टर रीचिंग ए पर्टिकुलर लेवल पीपल स्टार्ट सेविंग ए पार्ट ऑफ देयर इनकम। इसका अर्थ क्या है ना, अगर इसमें सेविंग वाला दे नहीं रखा है, मैं अगर सेविंग बना दूं तो कैसे, देखो इसमें मैं आप इसमें सेविंग बना हुआ है नहीं बना हुआ है, अच्छा हाँ, अगर मान लो ये रहा इनकम का बनाया नहीं हुआ, अगर इनकम बनाया जाएगा ऐसे, मैं लाइन बनाता हूँ, अगर इनकम बनाया जाएगा कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे होकर चला जाएगा। तो ये जहाँ ये पॉइंट दिख रहा है यहाँ तक तो चलो बात समझ में आता है, सी बराबर में वाई, इतना मोटा नहीं बेटा, पतला खींचना पड़ेगा, आगे आगे फिगर में दिखेगा। उसके जिस रेशियो से जिस तरह से इनकम बढ़ता है उस तरह से हमारे कंजप्शन नहीं बढ़ता है। कहोगे सर जी क्यों, हमारे पड़ोसी में जितना कमाता है उसके दुगुना वो खा जाता है दारू पी के, यार बेटा वो इसमें नहीं यूज करोगे आप, वो कभी 100 में लाखों में एक है वो छोड़ो। लेकिन बेसिकली जब देखते हैं, पहले आप इनकम नहीं कर रहे हो, आपका कंजप्शन होती है क्योंकि आपको सर्वाइव करने के लिए कुछ खाना खर्चा करना पड़ता है, लेकिन जैसे 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 आपका इनकम बढ़ता है ऐसे ऐसे आपका खर्चा भी, ऐसे ऐसे जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है ऐसे ऐसे आपका कंजप्शन बढ़ेगा, लेकिन उस रेशियो से नहीं, उस रेट से नहीं जैसे इनकम बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपका हो गया बचत का भाग है, क्योंकि हर कोई थोड़ा बचत
करने की प्रयास करेगा, हमेशा वो खर्चा नहीं करेगा। क्लियर हो गया आप लोग? चलिए और देखिए, स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व द सेकंड कंपोनेंट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज एज एज्यूम्ड टू बी इनडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम। ये डिपेंड इनकम के इनडिपेंडेंट है, निर्भर नहीं है। लिखा है स्वायत्त निवेश वक्र की ढाल। दूसरा घटक निवेश व्यय आई एक एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधा रेखा है, क्योंकि ये माना गया है कि आय के स्तर से स्वतंत्र होता है, जैसा कि ये इसमें हमने मान लिया कि ये तो क्या लिखा हुआ है ना, वो एक्स एक्स के साथ पैरेलल खींचा गया है, तो ए डी बराबर में। और आगे देखो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए डी कर्व और सी प्लस आई कर्व। ए डी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट टी एज एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो इसको मैं फिगर में तो आपको बता ही दिया, चलो फिर भी एक बार मैं आपको समझा दूँ। तो क्या है, देखो जीरो लेवल पर हमारा टी कहाँ पहुँच गया, 60 तक पहुँच गया। क्यों पहुँच गया ना, ए डी इक्वल टू सी प्लस आई, सी हो गया मेरा 40, आई हो गया 20, 40 प्लस 20 60। ऐसे जैसे जैसे लेवल बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ता रहेगा, ये 100 के जगह पर कितना हो जाएगा 140, फिर 200 के जगह पर 220, तो ये आपको बढ़ता रहेगा। तो आपको क्या समझ में आ गया बेटा, ये मैंने क्या समझाया, ए डी का फिगर मैंने बताया। उसके बाद आते हैं एग्रीगेट सप्लाई, जिसे बोलते हैं समग्र पूर्ति। क्या होता है एग्रीगेट सप्लाई, पूरा डेफिनेशन आपको साफ साफ दे रखा है। एग्रीगेट सप्लाई से अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से हैं, जिसे एक अर्थव्यवस्था में दी गई समयावधि में सभी उत्पादक पूर्ति करने के लिए तैयार है। बेटा यहाँ पे सप्लाई लिखा हुआ है, सप्लाई वहाँ एक्सपेंडिचर होती है, डिमांड हो रहा है, तो यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। उधर जो लाइन है उसके मिलते जुलते लाइन है। एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन ए गिवन टाइम पीरियड। इसका मतलब जो सप्लाई आप कर रहे हो ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, जितनी आप सप्लाई कर रहे हो वही आपका है। तो आप देखो ना, समग्र पूर्ति बराबर में राष्ट्रीय आय, ये क्यों दे रखा है, ये एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम, ये क्या है ना, व्हेन जब ए एस इज एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल टर्म्स, जब ए एस को भौतिक रूप से बतलाया जाता है, ठीक है, इट रिफर्स टू टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, इन ए इकोनॉमी। इसका अर्थ है ना, ये क्या करता है ना, भौतिक रूप से बतलाया जाता है, तो इसका अभिप्राय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन से होता है। किसके ना, वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन। हम जानते हैं, वी नो दैट वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट, मतलब जो टोटल आउटपुट है, जो कुल उत्पादन है, वो क्या है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके, इन द लोन ऑफ रेंट। ये क्या है ना, ये जो दे रखा है, जब हम जानते हैं कुल उत्पादन का मूल्य उत्पादन के साधनों के बीच में किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में वितरित होता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। आपने नेशनल इनकम पढ़ चुके हो, इनकम मेथड, ये सारे पॉइंट वहाँ देखने को मिलता है। द सम टोटल ऑफ दीज फैक्टर इनकम्स, ये सब क्या है ना, ये सब साधन की आय है, ओके, कौन कौन सी साधन से इनकम हुआ है, ये सारे डोमेस्टिक और नेशनल लेवल इज टर्म एज नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो ये सब फैक्टर की जरूरत होती है। आप आय विधि के लिए अब देख लेना, इनकम मेथड में आप देख लेना, ये सारे हमारा फैक्टर इनकम होती है और ये नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए ये पॉइंट सब जरूरत होता है। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं ना, जो समग्र पूर्ति, जो एग्रीगेट सप्लाई है और राष्ट्रीय आय एक और समान वस्तु है, तो ये क्या है, आर वन एंड द सेम थिंग्स। तो ए डी और जो सॉरी ए एस और नेशनल इनकम वाई, ये दोनों सेम चीज है। शुरू से आपको दोबारा आपको समझना पड़ेगा, जो ए एस होता है, अगर उसकी फिजिकल टर्म में लेते हैं, भौतिक रूप से अगर हम बताते हैं, तो ये क्या होता है ना, वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन, कितना हम वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट, वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट, तो वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट जो है, ये देखो वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट, ठीक है, और टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आप तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए आप कौन कौन सी आपको पता है ना, ये रेंट है, किराया दे रहे हो, और वेजेस वो आपका, ठीक है, तनख्वाह दे रहे हो, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, मतलब आप मजदूरी दे रहे हो, आप इंटरेस्ट ब्याज दे रहे हो, आप लाभ, ये सारे जो पॉइंट्स है आपने नेशनल इनकम में पढ़े हुए थे कि ये सब नेशनल इनकम में, ये सब आपका क्या है
ना इनकम मेथड में आता है, और ये जो नेशनल इनकम हम फाइंड आउट करते हैं इसकी जरूरत पड़ता है। तो इसका अर्थ क्या है, नेशनल इनकम की जो कंपोनेंट्स है, जो पॉइंट्स है, वो आपका एस में भी वही पॉइंट्स आ रहा है। तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि जो हम एग्रीगेट सप्लाई है वो किसके बराबर है, वो नेशनल इनकम, ये दोनों सेम चीज है। क्लियर हो गया। तो अब आ जाओ कि अब आप ए एस का क्या कंपोनेंट्स है। एस नेशनल इनकम जो है, जो वाई होगा, वो दो चीज में आप उसको खर्चा करोगे, या तो कंजप्शन करोगे या आप सेविंग करोगे। तो ए एस बराबर में आपका सी प्लस वाई, ठीक है। क्या करोगे, ए एस इक्वल टू सी प्लस, सॉरी सी प्लस एस। ए एस इक्वल टू क्या है, सी प्लस एस। यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो, ए एस इक्वल टू सी प्लस एस, हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन ऊपर अगर आपको लिखना, मैं अगर आपको यहाँ नहीं लिखा हुआ है, जैसे ए डी लिखा हुआ है, ऐसे मैं आपको ए एस का भी लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे ए डी लिखा है एग्रीगेट डिमांड के लिए, तो मैंने आपको ए एस के लिए भी लिख देता हूँ। ए एस इक्वल टू क्या होगा, ए सॉरी सी प्लस एस। क्लियर हो गया आप लोग, ठीक है। अब हम आते हैं ये चीजें, तो ए एस इक्वल टू सी प्लस एस, और उसको अभी एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, इसको समग्र पूर्ति बोलते हैं। तो समग्र पूर्ति का दूसरा नाम क्या है, नेशनल इनकम। उसको वाई से स्पेसिफाई करते हैं, या तो वाई खींच दो या तो ए एस खींच लो, दोनों सेम होता है। बच्चे कहते हैं एस को वाई की जगह पर ए एस क्यों लिखा गया, वो मैंने आपको समझाया कि ए एस की जो जो टर्म होती है, जो जो उसकी आउटपुट होती है, वही आउटपुट नेशनल इनकम का होता है, इसलिए ये दोनों समान होते हैं। चलिए आगे, एक फिगर से उसको हम समझते हैं कि ये क्या है नहीं है। उस फिगर को देखो, आय दे रखा है मतलब इनकम दे रखा है, कंजप्शन सी दे रखा है, हमें एस दे रखा है और ए एस दे रखा है। देखो एस बराबर में कंजप्शन और सेविंग को आप जोड़ दो, जो इनकम होता है, तो इनकम जो होता है, जितना मैं इनकम करूंगा, या तो मैं बड़ा खर्चा करूंगा या मैं बचाऊंगा। मैं देख रहा हूं यहाँ पे 40 को माइनस 40 से जोड़ूंगा, जीरो है, इसका मतलब सी प्लस एस बराबर में वाई हो गया। तो ये 100 है, 120 में से माइनस 20 चला गया, 100 है, क्योंकि ए एस का जो कंपोनेंट्स होता है सी प्लस एस होता है, वाई का जो होता है सी प्लस एस होता है। तो आप एक चीज देखो, वाई आपको दे दिया, सी दे दिया, तो वाई कैसे निकालोगे ना, वाई माइनस सी, जीरो में से 40 गया माइनस 40, 100 में से 120 गया माइनस 20, और यहाँ पे अगर सी प्लस एस कर रहे हो वो भी आपका वही है। इसका अर्थ क्या है ना, ये जो जो बना हुआ है, जो आपका बना हुआ है, ये इनकम है, ये कंजप्शन एंड सेविंग दे रखा है, तो ये y बराबर में ए एस, यहाँ पे और ए एस, ये लिखा नहीं y, y और ये ए एस। क्लियर हो गया। लेकिन एक बात आपको जानना बहुत जरूरी है, ये जो 45 डिग्री क्यों दे रखा है, हमें तो वहाँ 60 ले सकते थे, 50 ले सकते थे, लेकिन 45 डिग्री क्यों लिया गया है, क्योंकि 45 जो रेखा है तो मूल बिंदु O से शुरू होती है, क्योंकि और मतलब ये दोनों में समान पैमाना है। थोड़ा सा ये नीचे आपको लिखा हुआ है, देखो थोड़ा इक्वल करने के लिए वो लिया हुआ है, ठीक है। ये कहाँ दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, ये देखो, एट ऑल द पॉइंट्स ऑन 45 डिग्री लाइन कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम। देखो कंजप्शन और इनकम, कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम, इट हेल्प्स अंडर द क्या दे रखा है यहाँ पे, कैनेसियन इकोनॉमिक एनालिसिस, सिंस द टू वेरिएबल्स कंजप्शन और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड इनकम आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट। अब आप देखो, एक अगर 90 है, सेम यूनिट में मुझे दो इक्वल भाग में काटना है, तो क्या मुझे 45 नहीं करना है, क्योंकि जो पूरा जो है, जैसे देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, और ये जो वाई एक्सिस है, ये जो एंगल आपका बना पड़ा है, ये जो एंगल आपका है वो कितने का है, वो जो एंगल इस बीच में जो एंगल है, ये पूरा आपका 90 का है, कितनी है, पूरा आपका 90 का है। तो जब मैं 45 का बनाऊंगा तो क्या होगा ना, ये दोनों पार्ट जो है इक्वल होगा। तो इसीलिए द 45 डिग्री लाइन हैज ए स्लोप ऑफ वन एंड इट बाइसेक्ट द 90 डिग्री एंगल फॉर्म बाय द टू एक्सेस, ये दोनों एक्सेस के बीच में जो 90 डिग्री बना है उन दोनों में इक्वल लेने के लिए मुझे 45 डिग्री कोण बनाना पड़ता है। इसका मतलब क्या होती है ना, 45 डिग्री की एक रेखा जो कि समग्र पूर्ति को दर्शाती है, वह मूल बिंदु से खींची गई है। रेखा को दोनों अक्षों पर समान पैमाने लेकर खींचा गया है, दोनों पैमाने लिया गया है। ये जो आपको दिया हुआ है एवरी एट सेम स्केल ऑन द बोथ एक्सेस, इसके लिए
हमें सेम स्केल चाहिए दोनों तरफ से, इसीलिए 90 डिग्री का आधा 45 डिग्री लिया हुआ है। बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे ये जो 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री क्यों लिया गया है, क्योंकि ये सेम स्केल है, ये जितना है बेटा ये आपका उतना है, ये दोनों सेम स्केल लेने के लिए ये 45 डिग्री का एंगल आपका बना हुआ है। क्लियर हो गया आप लोग? क्लियर हुए? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। कंजप्शन फंक्शन प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, सी बराबर में एफ ऑफ वाई लिख सकते हैं। एफ क्या होता है? फलनात्मक संबंध। एफ क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप। तो कंजप्शन फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम भाई, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा ऐसे ऐसे कंजप्शन बढ़ेगा, है ना? और जैसे ऐसा जरूर नहीं है, तो ये आपको दे रखा है, ये जो बना हुआ है इस फिगर को फिर समझ, फिगर फिगर समझ लो, समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत आपका नहीं है। देखो डिस सेविंग, सेविंग का डिस सेविंग, यहाँ बेटा सेविंग नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है बताओ? क्योंकि जीरो इनकम करने पे आप खर्चा भर भर के कर रहे हो, ऐसे 10 रुपये कमा रहे हो लेकिन खर्चा 20 का कर रहे हो, तो ऐसे। और ये जो ई लेवल है उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहा जाता है? जब सी बराबर में वाई है या जब एस बराबर में जीरो है, कोई बचत आप यहाँ नहीं कर रहे हो। क्लियर हुआ? तो क्या है ना, नेशनल इनकम इज मेजर्ड ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को नेशनल इनकम मेजर किया गया है, एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन द वाई एक्सिस। क्लियर हुआ? तो पहला दे रखा है स्टार्टिंग पॉइंट ऑन कंजप्शन कर्व ना, जो आपका उपभोग वक्र जो है सी सी, वो एक्स पर सी बिंदु से शुरू होता है, ये समझा दिया जाता है। जो पॉइंट्स दे रखा है इस फिगर को समझाने के लिए है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, आगे आप इसको ये जो नीचे पॉइंट से आप पढ़ लेना। क्या दे रखा है मैं हिंदी में समझा देता हूँ, सो आई थिंक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इन इंग्लिश ऑल्सो, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी समझना जरूरी है। कंजप्शन जो कर्व होती है, जो उपभोग वक्र होती है, वो सी सी है, ये देखो सी और सी लिखा हुआ है। जब इनकम आपका जीरो होती है, जितना आप खर्चा करते हो, जितना आप कंजप्शन करते हो, वो हमारा ऑटोनोमस सी होती है। तो ये क्या होती है? वाई एक्सिस से हमारा चालू होती है। तो ओ सी, ओ सी जो है वो क्या है ना, वो जो आपका ऑटोनोमस कंजप्शन है, क्योंकि ठीक है ना, वो सी, तो चाहे वो 20 हो सकता है, 30, यहाँ पे दे रखा है कितना 40 है, तो 40 आपका क्या है? ऑटोनोमस सी है। और दूसरी बात क्या होता है, सी सी का जो ढाल होती है धनात्मक होती है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव स्लोप होती है। क्यों पॉजिटिव स्लोप होती है? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे वो बढ़ेगा, ऐसे नहीं है इनकम बढ़ेगा तो ये नीचे नीचे तरफ होगा, नहीं है, ये डाउन स्ट्रीम नहीं होता है, ऑफ ऑफ की तरफ जाता है, ठीक है ना, ऑफ स्ट्रीम होता है वो, ऑफ की तरफ जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है ना, उपभोग में आनुपातिक बढ़ोतरी आय की बढ़ोतरी से कम होती है, तो इसकी जो 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 प्रोपोर्शनल जो है राइज, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनेट जो राइज होता है, या अगर हम उसको रेशियो में अगर बताएंगे, तो जिस हिसाब से वो इनकम हमारा जिस रेशियो में बढ़ता है, जिस परसेंटेज में हमारा इनकम बढ़ता है, उस परसेंटेज में हमारा कंजप्शन नहीं बढ़ता है बल्कि उससे कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि हर कोई थोड़ा बचत करना चाहेगा, ऐसे तो नहीं है कि वो कमाएगा, आज वो 10,000 कमा रहा है, 12,000 खर्चा कराए, 15,000 कमाए तो खर्च 20,000 करेगा, और 20,000 कमाए तो 22,000 करें, तो क्या ऐसे कुछ खर्चा थोड़ी करते हैं? तो क्या होती है, थोड़ा बहुत हर कोई चाहेगा कि जो कंजप्शन है वो कम करें, किससे? हमारे इनकम से। इसीलिए जो प्रोपोर्शनल होती है, जो उसकी रेशियो होता है, जितना ज्यादा ज्यादा होती है आपका इनकम का, और उसी तुलना में कंजप्शन का कम होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, आय उपभोग से कम है। क्या होती है ना, आय उपभोग से कम होता है कभी कभी, क्या होती है? देखो थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है, पढ़ लेना। तो मैं क्या बताया ना, इसमें देखो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये देखो 200-200 तक दोनों सेम है, 200-200 तक दोनों सेम है, ये भी 200, ये 200, इसके पहले क्या हो गया ना, ये जो उपभोग है वो आय से ज़्यादा है, या इनकम जो है उपभोग से कम है। बिल्कुल, मैंने अभी बताया, सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आपका इनकम कुछ भी नहीं है, अभी कोविड में किसका नौकरी चला जाता है, या मान लो जॉब नहीं मिला उसको, नौकरी छूट गया, तो इसके मतलब वो खाना वाना खाएगा नहीं क्या भाई? जमीन बेचे, उधार उधार ले, कुछ करे, खाना तो खाएगा ना। हाँ, चोरी डकैत नहीं करेगा, ऐसे काम तो नहीं भी करना चाहिए, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ तो वो करेगा, अपना किसी दोस्तों से उधार लेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं, तो वही चीज़ें हैं। तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, जो इनकम होती है वो कंजप्शन से कभी कभी कम होती है। क्लियर हुआ बेटा? और इसको बोला जाता है, और उस एरिया के बीच में जो होता है उसे डिस सेविंग कहा जाता है। इसका मतलब हिंदी में उसे क्या बोलते हैं बेटा ना, अब बचतों, अब बचत, वो बचत ये हो गया अब बचत,
क्यू अब बचत हो गया ना, जो ट्रायंगल बना हुआ है सी ओ ई, जिसको मैं आपको डार्क कर देता हूं, नीला कलर का डार्क कर दूं, ये सॉरी इसी कलर में, इस कलर में जो मैंने कर दिया डार्क, इसके अंदर अंदर जो बॉक्स के अंदर है ओ सी ई, ये जो है वो आपका डिस सेविंग है, या उसको क्या बोला जाता है ना, अप बचत, क्या बोला जाता है, अप बचत। क्लियर हो गया। और जब सी बराबर में वाई हो जाती है, ये जो पॉइंट है कंजप्शन इक्वल टू इनकम, उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, ब्रेक इवन पॉइंट, और हिंदी में बोलते हैं समस्त बिंदु, क्या बोलते हैं बेटा, समस्त बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट का जो नाम होती है उसे बोलते हैं समस्त बिंदु। और वो क्या होता है, वो वह बिंदु है जहां पर उपभोग राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, ठीक है, और बचत शून्य होती है, जहां बचत शून्य हो जाएगा और सेविंग हमारा जीरो हो जाएगा, तो अब आप कह सकते हो हमारा क्या है ना, वाई इक्वल टू सी होती है, और उसके ऊपर वाला जो होती है वो आपको सेविंग होती है, आय उपभोग से अधिक है। ओके, अब आय क्या होगा उपभोग से, अब पहले क्या था ना, उपभोग आय से ज्यादा था, जो कंजप्शन इज ग्रेटर देन द इनकम देन द, कौन सी चीज देखने को मिलता है ना, डिस सेविंग। लेकिन अब क्या हो गया ना, इनकम इज ग्रेटर देन द कंजप्शन, हमारे जो आय है वो हमारे उपभोग से ज्यादा है, तो वो जो लेवल है वो उसको बोलते हैं सेविंग वाला लेवल होती है, वो क्या होता है, बचत वाला हो जाता है। क्लियर हो गया। अभी यही सारा चीजें नीचे आपको अच्छी तरह से समझाया हुआ है, ये आपको पॉइंट्स में दे रखा है, आप पढ़ सकते हो बड़े प्यार से। ये पॉइंट में ब्रेक इवन पॉइंट रिफर्स टू द पॉइंट एट विच आएगा, एक नंबर के लिए आ गया, व्हाट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, भाई जहां सी बराबर में वाई होता है, अगर उसको लाइन में लिखना चाहोगे तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, समस्तर, ओके, समस्तर या समस्त बिंदु से अभिप्राय उस बिंदु से है जहां पर उपभोग राष्ट्रीय आय के बराबर होता है और बचत शून्य होती है। हाँ, दो केसेस में, जब आपका सेविंग, भाई जब आपका कंजप्शन और इनकम सेम होगा, जितना खर्चा, जितना इनकम कर रहे हो उतना खर्चा करोगे, तो बचत तो जीरो होगा, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है बेटा, तो ये आपको थोड़ा पढ़ लेना, ये जो मैंने बताया ये पॉइंट। अब उसके बाद मैंने बताया आय उपभोग से अधिक है, ये तो आपका था, जो इनकम आपका ज्यादा होगा कंजप्शन से तो आप सेविंग करेंगे, ठीक है। द गैप बिटवीन द 45 लाइंस एंड द सीसी लाइन, ओके, आफ्टर पॉइंट ई रिप्रेजेंट द पॉजिटिव सेविंग, 45 डिग्री लाइन इज सिग्निफिकेंट एज इट्स इंडिकेटर वेदर कंजप्शन स्पेंडिंग इज इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन द लेवल ऑफ इनकम। ये क्या बताया, एक छोटा पॉइंट है जो आपको बताया, ये 45 रेखा जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दर्शाती है कि क्या खर्चा जो एक्सपेंडिचर है या जो कंजप्शन है आय के स्तर के बराबर है, ज्यादा है या कम है, जो इनकम लेवल से ज्यादा और कम है या नहीं है, उसको बताने के लिए ये चीजें आपका है। किन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, यह आपका पढ़ लेना ऐसे, अगर आपको ज्यादा ऐसे तो है ही नहीं आपका, वो दूसरे बुक में एनसीईआरटी में नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत आपको है ही नहीं, ठीक है, नॉलेज के लिए तो ठीक है, कोई टेंशन इसमें नहीं है। चलिए आप आगे चलते हैं, आ जाओ, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, ये दो प्रकार की होती है, तो एक होता है आपका एपीसी ना, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा होता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, हिंदी में मैंने बेटा इसका नाम बताया औसत उपभोग प्रवृत्ति, इसका हो गया आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। एपीसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, जरूरत नहीं सी बाय वाई, ठीक है, तो सी अगर 70 करोड़ आपका एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कंजप्शन आपका कितना हो रहा है 70 करोड़ का है, इनकम आपका हो गया 100, तो 70/100 0.70, ओके, ये आपका हो गया क्या है एपीसी, ठीक है, कोई दिक्कत है आपको नहीं ना बेटा। ऐसे एमपीसी में आ जाओ, एक टेबल आपको दे दिया, इसमें देखो क्या दे दिया आपका ना, औसत उपभोग प्रवृत्ति, चलिए क्या दे रखा है, ये मेरा दे रखा है, ये मेरा सी का लाइन दे दिया, क्या लाइन दे दिया सी का, अच्छा वाई का लाइन आपका दे नहीं रखा है, अगर मैं बनाऊं तो वाई से ऐसे बना सकता हूं ऊपर करके, ठीक है, तो एपीसी क्या होगा ना, डायरेक्ट आपका देखो 0/40 सी, बस 40/0 120, इसमें नॉट डिफाइन नहीं लिया गया, छोड़ो 120/100 200/200 280/300 और 360/400, तो आप क्या नजर आ रहा है, देखो पहला जो आपका आया 1.20, उसके बाद कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो एपीसी है, जैसे जैसे ऊपरी तरफ यूनिट, जैसे हमारा इनकम बढ़ता रहेगा, ऐसे 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 हमारा जो एपी है वो आपका क्या होगा, कम होता रहेगा। क्लियर हो गया। तो नीचे क्या लिखा हुआ है आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, एपीसी के बारे में कुछ नॉलेज है आपको, समझना है कि क्या क्या चीजें हैं एपीसी के बारे में, जो जानकारी है वो आपको नीचे दे रखा है।
एपीसी इज मोर देन वन, एपीसी एक से ज्यादा हो सकता है। कैसे हो सकता है, इस पॉइंट को समझना है। ज्यादा लंबे इस वीडियो को नहीं करना है बेटा, थोड़ा सा। एपीसी इज मोर देन वन, ग्रेटर देन वन, कहोगे सर जी ये कैसे हो सकता है। अब आप देखो बेटा, यहाँ पे आप इनकम कुछ नहीं कर रहे हो तब भी आप खर्चा कर रहे हो। या तो आप यहाँ देखो, यहाँ अगर आपका 100 है, यहाँ 100, यहाँ 120 है, तो देखो 1.20 आया, क्या वो एक से बड़ा नहीं है? बिल्कुल। तो आपका एपीसी एक से बड़ा हो सकता है, एक हो सकता है, एक से कम हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, ये नेगेटिव में नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नेगेटिव में नहीं होगा। क्यों ना? जब सी हमेशा पॉजिटिव है, खर्चा आप माइनस में नहीं है, हाँ सेविंग माइनस में हो जाता है। जब आप जीरो इनकम करते हो तो भी हमारे कंजप्शन पॉजिटिव है, तो कभी भी ये आपका नेगेटिव में नहीं हो सकता। कौन सा? एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। है समझ में आ गया बेटा? तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ना एपीसी क्या एक से अधिक हो सकता है? यस, जो एक से अधिक होगा, जो ये जो आप स्टेज देख रहे हो 1.20 है, बिल्कुल आपको नजर आ रहा है। क्या एपीसी एक के बराबर होगा? जब वाई बराबर में सी होगा, बिल्कुल ये एक के बराबर हो जाएगा। क्या एक से कम होगा, लेस देन वन? बिल्कुल होगा। ये आपको दोनों चीज दे रखा है, जो वो एक से कम नजर आ रहा है। मैं क्या बता रहा हूँ बेटा, आपको हिंदी में समझ में आ रहा है, इंग्लिश में भी तो आपको नीचे लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ जो हिंदी में आएगा। इंग्लिश में बेटा क्या दिक्कत है, आप तो बना के ऐसे भी लिख लोगे। एपीसी क्या एक से अधिक होती है? एपीसी इज ग्रेटर देन वन, यस एपीसी इज ग्रेटर देन वन। व्हाई? बिकॉज द कंजप्शन, व्हेन द कंजप्शन इज ग्रेटर देन द इनकम, देन यू कैन से द एपीसी विल बी ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन, यस। व्हेन सी इक्वल टू वाई, देन इन दिस केस एपीसी इक्वल टू सी बाय वाई, दोनों सेम होगा तो रिजल्ट विल बिकम वन। एक से कम बिल्कुल होगा, जब कंजप्शन आपका लेस देन होगा इनकम, देन यू कैन से द एपीसी विल बी द लेस देन वन। उसके बाद आप क्या आपका होगा, आय में वृद्धि से एपीसी गिरती है, बिल्कुल आय में वृद्धि। देखो मैं जैसे 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 इनकम बढ़ रहा है, जैसे जैसे इनकम इधर उधर से जा रहा है, ऐसे ऐसे हमारा जो एपीसी वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो, जब इनकम हमारा इंक्रीज होगा, एपीसी हमारा कम होगा। एपीसी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। कैसे शून्य होगा? क्योंकि शून्य इसलिए नहीं हो सकता, एपीसी कभी तभी शून्य हो सकती है जब उपभोग शून्य हो। जब आपका कंजप्शन शून्य शून्य नहीं है, तो एपीसी हमारा शून्य कैसे हो सकता है? आप कहोगे सर 40/0 नॉट डिफाइन है, जीरो नहीं है तब भी, और किसी भी लेवल में वो आपका जीरो नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, जीरो से बड़ा होगा हमेशा। चाहे 0.0000999 हो सकता है, लेकिन बेटा जीरो नहीं होगा। तो आपको क्या बात बताया, आपको एपीसी के बारे में नॉलेज हो गया। ग्रेटर देन वन, यस। इक्वल टू वन, यस। लेस देन वन, यस। इनकम डिक्रीज होगा, एपीसी डिक्रीज होगा, यस। और इक्वल टू जीरो, नो। और इक्वल टू नेगेटिव, नो। तो एपीसी ये कौन कौन सी होगा, नहीं होगा, मैंने आपको समझाया बड़े प्यार से। क्लियर हुआ बेटा? चलिए, ये पॉइंट आपको दे रखा है, वही चीज जो मैंने बताया वो आपको पॉइंट्स में दे रखा है, वो आप पढ़ सकते हो। पहला पॉइंट है कि मोर देन वन, बिग यस। अगर आपको नोट आउट करना चाहे, नोट्स क्या बनाओगे? बहुत अच्छा नोट्स ये दे रखा है, इससे बढ़िया नोट्स और क्या बनाओगे बेटा? इसको टाइपिंग करके मैं आपको नोट्स बता दूंगा, ये रहा नोट्स ले लो पढ़ो, वो जरूर नहीं है। आप समझो कि इस कंसेप्ट क्या है, आगे दिमाग में बैठ जाएगा आपके, तो वो आपको ज़्यादा नोट्स इधर उधर से कलर्ड करके समझ में नहीं आएगा, वो जरूर नहीं है। आप उसको समझो कम से कम, ठीक है? ये चीज़ें। तो अब एमपीसी के लिए आते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। बेटा जो चीज लिखा है उसको डेफिनेशन में लिख दो, इसके लिए अलग डेफिनेशन थोड़ी बनाना है हमें। जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अभिप्राय उपभोग में परिवर्तन के आय में परिवर्तन के अनुपात से होता है। तो मतलब उपभोग में जो चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर हुआ? आगे चलिए, अब उसकी फिगर में हम चलते हैं ना। ये एक दे रखा है बेटा, इसको आप पहले कैसे फाइंड आउट करते हैं देखो। अब आप डेल्टा सी डेल्टा वाई देखो, पहले 40 में से कुछ माइनस नहीं करेंगे तो इसको कुछ नहीं है, इसको खाली रहने देंगे। 120 में से 40 को माइनस करो, 80 आया। 200 में से 120 को माइनस करो, फिर 80 आया। 280 में से 200 को माइनस करो, फिर 80 आया। 360 में से 280 को माइनस करो, फिर 80 आया। और जरूरी नहीं है कि डेल्टा सी हर किसी में समान होगा, वो दे दिया जैसे रकम वैसे हमने बना दिए। उसमें एमपीसी आप देखो क्या है ना, 80। फिर इसमें वाई के लिए देखो, 100 माइनस जीरो 100 आ गया,
200 माइनस 100 100 आ गया, 300 माइनस 200 100 आ गया, 400 माइनस 300 वो आपको 100 आ गया। ये डेल्टा वाई निकल गया, ये डेल्टा सी निकल गया। आपने 11th में भी पढ़े हो बेटा डेल्टा के बारे में निकालना, डेल्टा क्यू डेल्टा पी, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते थे, ईडी ईएस जरूरत पड़ता था, तो डेल्टा निकालने के लिए कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो आपको एक टेबल आपको दे दिया गया, ठीक है, ये आपको दे दिया 0.80, क्योंकि 80 को 100 से डिवाइड करके 2 जीरो है, ये 2 के पहले पॉइंट लग जाएगा, वो 0.8 0.8 0.8 0.8, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी इसके बारे में कुछ जानकारी हम लेते हैं, इस फिगर को हम समझते हैं। और देखो क्या होता है ना, एमपीसी का जो वैल्यू है, एमपीसी का जो वैल्यू है हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, ये आप दिमाग में थोड़ा सा अपरोट लेना कि 0 और 1 के बीच में होता है। क्यों ना, जो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई होता है, और कभी भी चेंज इन कंजप्शन इज नॉट हायर देन चेंज इन इनकम। कभी ऐसे होता है कि इनकम में हमारा 1000 बढ़ा और खर्चा हम 5000 बढ़ा दिए, होता है क्या बेटा? कहोगे हमारे पड़ोसी में मेरा दोस्त करता है, वो अलग चीज है, लेकिन नहीं होता है। हमारे जितनी चेंजेस इनकम में होती है उससे कम चेंजेस, उससे कम इंक्रीज, चेंज इन जो एक्सपेंडिचर है कंजप्शन है वो कम होता है। इसीलिए कभी भी डेल्टा डेल्टा सी वाई डेल्टा वाई 1 से बड़ा नहीं होगा, बल्कि 1 से छोटा होगा, या 0 और 1 के बीच में होगा। आपको क्लियर हो गया क्या? क्लियर हुआ क्या बताया मैंने आपको? साया समझ में? अब दूसरा क्या दे रखा है, देखो ना, एमपीसी का मूल्य 0 और 1 के बीच में रहता है। हम जानते हैं कि बढ़ी हुई आय या तो उपभोग में व्यय की जाती है या भविष्य में इस्तेमाल किए जाने के बचा ली जाती है। यदि सारे अतिरिक्त आय का उपभोग हो जाए तो डेल्टा एस 0, जब तब एमपीसी 1 होगा। मतलब एमपीसी क्या हो जाएगा, एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। अगर आप चाहोगे कि पूरा पूरा आपने खर्चा किए, बिल्कुल कोई भी बचत नहीं किए आपने, या डेल्टा सी एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मान लो कि डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई दोनों आपका बराबर है, जितनी इनकम में इंक्रीज हुआ उतनी कंजप्शन में इंक्रीज हुआ, दोनों हो भी सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तब आपका एमपीसी 1 हो सकता है, लेकिन 1 से अधिक नहीं सो सकते। क्लियर हुआ क्या बताया मैंने? अगर डेल्टा सी 0 हुआ, पूरी की पूरी आपने बचाए, एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, अगर आपने कर दिए तो क्या होगा ना, आपका 1 और 0 होता है, लेकिन ऐसे बहुत कम होती है कि आपने पूरे पूरे आपका डेल्टा एस जो है, जितना इनकम आपका बढ़ा उतनी आप कंजप्शन में बढ़ा दिए, ये बहुत कम होता है। डेल्टा एस इक्वल टू 0 बहुत कम हो सकता है, और डेल्टा सी इक्वल टू 0 बहुत कम होता है, कि भैया इनकम बहुत बढ़ गया लेकिन आप कंजप्शन में बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे हो। लेकिन एमपीसी का वैल्यू 1 और 0 हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा और 0 से कम नहीं हो सकता। ज़्यादातर से क्या होती है, उसकी जो वैल्यू होती है ना, 0 और 1 के बीच में होता है। तो मैंने क्या बताया आपको, समझ में आया? 1 हो सकती है, 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा, और उसमें क्या है ना, आपका क्या बताया गया ना, आपका 1 से अधिक भी नहीं हो सकता। क्लियर हो गया क्या बताया गया? ठीक है, वो आपको ध्यान देना। एमपीसी ऑफ 4 इज मोर देन दैट ऑफ रिच, क्योंकि ये कौन सी बात है, गरीबों में एमपीसी अमीरों में एमपीसी से अधिक होता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि गरीब लोग अपनी बढ़ी हुई आय का अधिक अनुपात उपभोग पर व्यय करते हैं, जबकि उनकी बहुत सी मूल आवश्यकता असंतुष्ट रहती है। दूसरी तरफ अमीर लोग कम अनुपात में खर्च करते हैं, क्योंकि वे पहले से ऊंची रहन सहन स्तर आनंद ले रखे होते हैं। इसीलिए जो अमीर लोग होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान देना है एमपीसी जो है 0-1 या 0-1 और 0 के बीच में होता है। ऐसे बहुत कम चांस होती है जो एमपीसी 1 और 0, अगर आएगा एमपीसी 0 हो सकती है, यस लिख सकते हो, एमपीसी 1 हो सकता है, यस, लेकिन ये क्या है, ज़्यादा जो होती है वो आपका 0 और 1 के बीच में होता है। जैसे एपीसी 1 से अधिक होता है एपीसी, ऐसे एमपीसी 1 से अधिक नहीं होता है, क्योंकि डेल्टा सी कभी भी डेल्टा वाई से बड़ा नहीं होता है। ठीक है बेटा, आया समझ में? चलिए, और जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि के साथ साथ एमपीसी गिरती है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगा तो एमपीसी भी क्या होगा ना, एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, इनकम आपका बढ़ता रहेगा तो एमपीसी क्या होगा, वो आपका घटता रहेगा। ठीक है, एपीसी और एमपीसी में थोड़ा बहुत आपको कंपेरिजन दे रखा है, तो आप कंपैरिजन आप पढ़ सकते हो, मैंने इतनी समझाया तो इसको भी और एक बार समझा दूं। इट इज़ द रेशियो ऑफ कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, सी बाय वाई होती है, ये आपका
कंजप्शन या आपका चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय चेंज इन इनकम है, वही चीज़ को लाइन में लिख दिया। एपीसी एक से ज़्यादा हो सकती है, एक हो सकता है, ठीक है ना। और जहाँ पे सी और वाई होती है बराबर, उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और एमपीसी कैन नॉट बी मोर देन वन एज चेंज इन कंजप्शन कैन नॉट बी मोर देन चेंज इन इनकम, इसीलिए वो कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर हो गया बेटा आपका? और इनकम जब इंक्रीज होगा एपीसी फॉल होती है, और ओके फॉल बट एट द रेट लेस देन दैट ऑफ एमपीसी, एमपीसी जिस रेट से होता है उससे कम है। व्हेन इनकम इंक्रीजेस एमपीसी इज ऑल्सो फॉल्स बट एट ए रेट मोर देन दैट ऑफ एपीसी, एपीसी के रेट से वो ज़्यादा होता है। तो एपीसी का फॉर्मूला होगा सी बाय वाई, और एमपीसी का फॉर्मूला हो गया डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। बेटा काफ़ी देर से मैं लगातार कंटिन्यूस में आपको बता रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक वीडियो में सारा मैं बना दूँ तो आप लोग बोर हो जाओगे, उसको देखोगे नहीं, थोड़ा थोड़ा स्किप करके देखते रहोगे। शुरू से लास्ट तक अच्छी तरह से देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो है 7.5 से हम कम से कम 4-5 वीडियो में इसको एंड करेंगे। बहुत लेंथी चैप्टर है, मैं अगर हल्का हल्का बता दूं बोर्ड पे तो फ़ायदा नहीं है, या ऐसे समझा दूं फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूं ईच और एवरी पॉइंट आपको समझ में आए, इसीलिए आज मैंने आपको क्या क्या डिस्कस किया बेटा, मैंने आपको सारे फॉर्मूला लिखवा दिया पूरे यूनिट का, उसके साथ साथ मैंने सबका फुल फॉर्म बताया, उसके साथ साथ मैंने कंपोनेंट्स ऑफ एडी बता दिया, उसके साथ साथ मैंने एडी के साथ साथ मैंने ऑटोनोमस सी बताया, उसके साथ मैंने एग्रीगेट सप्लाई के लिए बताया, उसके साथ मैंने एपीसी और एमपीसी के बारे में बताया। क्लियर हुआ बेटा इतना? ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा तो उससे हम बात करेंगे, कौन सी बात करेंगे ना, सेविंग फंक्शन, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वंस अगेन ये आपका यूनिट आप कौन सी देख रहे थे, आपको पता है कौन सी यूनिट देख रहे थे? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे जरूर है, हाँ बहुत सारे ऐसे वीडियो भी है और अच्छा मेरे से समझा रखे होंगे, मैं ये नहीं कहूँगा यही है सुपरियर, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए समझने के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें आप नोट भी कर सकते हैं कॉपी में, समझ सकते हैं। तो ये चीज़ आप जरूर एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।